से एक बड़ी खबर मोतिहारी से सामने आई है, जहां पुलिस के कार्यशैली के खिलाफ मृतक आरटीआई कार्यकर्ता विपिन अग्रवाल की विधवा पत्नी ने पुलिस के समक्ष ही आत्महत्या का प्रयास की है। विधवा मोनिका देवी ने पुलिस के समक्ष ही अपने हाथ का नस काट दिया है। हालांकि पुलिस ने आत्महत्या के प्रयास को विफल कर दिया है, लेकिन परिजन व स्थानीय लोग अभी भी सड़क जाम कर पुलिस के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। घटना हरसिद्धि थाना क्षेत्र के हरसिद्धि बाजार की है। आपको बता दें कि आज लगभग 22 दिन होने को है आरटीआई कार्यकर्ता विपिन अग्रवाल के हत्या के, लेकिन अभी तक पुलिस इस हत्या की पूरी गुत्थी को सुलझा नहीं पाई है। हालांकि इस हत्या में कुछ लोगों को पुलिस गिरफ्तार कर जेल भेज चुकी है। बावजूद इसके परिवार वालों का कहना है कि मुख्य अभियुक्त अभी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। बताया जाता है कि इस हत्या के पीछे जमीन का विवाद है, जहां कुछ लोग अवैध तरीके से जमीन अतिक्रमण किए हुए हैं और इसी का खुलासा विपिन अग्रवाल ने किया था, जिसमें आज से कुछ दिन पहले अतिक्रमण वाले जमीन पर बने पेट्रोल पंप को प्रशासन द्वारा सील कर दिया गया है, लेकिन प्रशासन उस जमीन को अब तक अतिक्रमण मुक्त नहीं करा पाई है, जिसको लेकर आरटीआई कार्यकर्ता द्वारा बार बार आवाज उठाया जा रहा था। लेकिन पुलिस का भी मानना है कि कुछ स्थानीय बड़े व्यवसायियों ने मिलकर विपिन अग्रवाल के आवास को हमेशा के लिए बंद करवा दिया। इसी बंदू पर अनुसंधान के तहत पुलिस ने एक बड़े व्यवसायी व बीजेपी के नेता को भी हिरासत में लेकर पूछताछ की थी और फिर पीआर बॉन्ड भरवा कर छोड़ दिया गया है। बहरहाल इस पूरे घटनाक्रम में परिवार वालों ने नामजद मामला दर्ज नहीं कराया है, जिससे पुलिस अभी अनुसंधान नहीं कर रही है। बावजूद इसके पीड़ित परिवार का गुस्सा पुलिस के प्रति फूट गया और अब सभी लोग सड़क पर उतर कर प्रदर्शन कर रहे हैं और मौके पर एसपी और डीएम को बुलाने की मांग कर रहे हैं। इस बीच स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंचकर आक्रोशितों को समझा बुझा कर शांत करवाया। चलिए हम लोग पकड़ जाते हैं। नहीं नहीं पकड़ रहे, हीरा लाल अग्रवाल अभी अभी व्हाट्सएप पे एक्टिव है, व्हाट्सएप पे एक्टिव है साला। छोड़ दिया जा रहा है, छोटे आदमी को तो पकड़ के रख लेते हैं आप लोग। दरोगा कल का होता है कि आप लोग को बोल्ड होना होगा, देख लीजिए बोल्ड का नतीजा ये बोल्ड आप लोग को होना है। इस न्यूज के प्रस्तुत करता है सिटी सेंटर द कंप्लीट मल्टी ब्रांड मेंस वेयर शोरूम सुभाष चौक दरभंगा। ली एक्सक्लूसिव शोरूम सुभाष चौक और दैनिक कौमी, तंजीम न्यूज़पेपर दरभंगा।